हाँ जी कैसे हैं, सही हैं? तालियां थोड़ी जोर से बजा के बताएं। There you go, that's it. अच्छा जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो मुझे देख रहे हैं टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, और हर कॉलर को, जितने जो भी कॉलर आज मुझे कॉल करेंगे पूरे दिन में, उनको मैं एक उम्रे का टिकट देने जा रहा हूँ। अच्छा, सिलसिला है वही, यानी बैतबाजी का, शायरी का। तो कौन है जो मुझे बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा शेर सुनाएगा? सबसे पहले मैं सरत आपा से शुरू करता हूँ, आप सुनाइए। क्योंकि आज 10 रमजान है और उम्मुल मोमिनीन मलीकतुल अरब खदीजतुल कुबरा की रहलत है, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम को और साहिर की तमाम तर मेहनत को बाबरकत बनाने के लिए उम्मुल मोमिनीन के जिक्र से आज के इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया जाए। तो साहिर, ये मोहसिन नकवी शहीद का के चंद अशार हैं जो मैं आपकी समातों की नज़र कर रही हूँ। शायर ने कहा, फलक निशां अर्श मरतबत कहकशा कदम खुश नज़र खदीजा, फलक निशां अर्श मरतबत कहकशा कदम खुश नज़र खदीजा, बदन सदाकत है सर खदीजा, सदफ शराफत गौहर खदीजा, वो आल की मादरे गिरामी रसूल की हम सफ़र खदीजा, खुदा के दीन मुबीं के ज़ख्मों की दहर में चारा गर खदीजा, उसी के दम से जहां में महर वफा का चश्मा उबल रहा है, नबी का दीन मुबीं उसी मोहसना के टुकड़ों पे पल रहा है। सुनो, उसी ने किया मुरतब निसा का दस्तूर हुक्मरानी, बड़े सलीके से कर गई है रुखे रिसालत की पासबानी, सवार दी उसकी तरबियत ने कुछ इस तरह हक की नौजवानी, पयंबरी खुद पुकार उठी तेरा करम तेरी मेहरबानी। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, अरब के राजा के मन की देवी, अजम के सुल्तान की शाहजादी, तेरे ही दम से हुई मुनव्वर हिजाज की बेचराग वादी, तेरे ही एक शाख के समर हैं हरीम हक के तमाम हादी, कभी मसायल को हल किया है कभी मसायब पे मुस्कुरा दी, ये मुस्कुरा दी तो मुस्कुराहट का नाम कुरान हो गया है, इसी का दामन बिखर के दुनिया में आले इमरान हो गया है। जी बताइए, कौन कहना चाहता है? हाँ जी, पहले आप शुरू हो जाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, दिस शेयर फॉर यू साहिर भाई। अच्छा, ये चंद लम्हे जो गुजरे तेरी रफाकत में, ये चंद लम्हे जो गुजरे तेरी रफाकत में, न जाने कितने बरस मेरे काम आएंगे। अरे वाह, क्या शेर है यार भाई, वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक नज़म पेश करूँगा। सितारे बांटता है वो ज़िया तकसीम करता है, सितारे बांटता है वो ज़िया तकसीम करता है, सुना है हब से मौसम में हवा तकसीम करता क्या है। क्या बात है, वाह वाह। उसकी अपनी बेटी की हथेली खुश्क रहती है, उसकी अपनी बेटी की हथेली खुश्क रहती है, जो बूढ़ा धूप में अक्सर हिना तकसीम करता है, उसकी अपनी बेटी की हथेली खुश्क रहती है, जो बूढ़ा धूप में अक्सर हिना तकसीम करता है, कोई रोके उसे जाकर सरासर है ये पागलपन, जो बहरों के मोहल्ले में सदा तकसीम करता है, उसी से मांग तू मोहसिन बाकी छोड़ दे सबको, उसी से मांग तू मोहसिन बाकी छोड़ दे सबको, जो कीड़े को भी पत्थर में गिजा तकसीम करता है। वाह 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 वाह, क्या नाम है आपका? पूरा नाम जो है वो जहाजेब है, निकने मुझे जैजी कहते हैं। क्या करते हो जैजी तुम? आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैं एक ट्रेनर हूँ। किसी क्या क्या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हो? मैं लोगों को डिफरेंट आइडियाज देता हूँ हाउ टू गेट योर सक्सेस इन लाइफ। अरे सीरियसली, तो खुद तुम खासे सक्सेसफुल लग रहे हो मुझे। नो, बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। नहीं, मेरी दुआ भी चाहिए, तुमको मोटर बाइक भी चाहिए, तो लेके आओ जी सुपर पावर की मोटर बाइक। मुझे तुम्हारे अशआर बहुत अच्छे लगे, मुझे बस अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली वो शेर जो तुमने जो कीड़े को भी पत्थर में गिजा तकसीम करता है, बड़ी कमाल है। वो आ जाएगी मोटरबाइक। जी सर सुनाइए। मेरे दोस्त तुम मुझसे जुदा हो रहा है, जैसे नाराज मुझसे खुदा हो रहा है, क्यों जुदाई के तसव्वुर से नाला हूँ मैं, तू ही मुझको बता कि ये क्या हो रहा है, प्यार करने ही वाले बिछड़ते हैं क्यों, देख मुझसे ही क्यों ये दगा हो रहा है, तेरी फुरकत सताएगी मुझको बहुत, सोच कर ये मेरा दिल धुआं हो रहा है, जिस रास्ते से गुजरते थे दोनों कभी, तन्हा पाकर वो मुझ पर खफा हो रहा है, हमारे बीच हैं दूरियां बहुत, दूर रहकर भी दिल तुझी पे फिदा हो रहा है। शादी हो गई आपकी? जी। शादी हो गई? जी हो गई। तो जो नज़्म पढ़ी है किसके लिए थी? ये कुछ पुरानी यादें ताज़ा की हैं। बेगम देख रही हैं आपको अभी? मेरे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह, नानी अम्मी बनी हुई हैं। नानी अम्मी? जी, नानी अम्मी। और रिलीजियस डिवाइड भी किया है उन्होंने, मजहब इस्लाम कबूल किया है, ये मौजूद हैं। कहाँ है, कहाँ है?
आप नानी हैं जी और तुम नाना हो? आई एम नाना। कौन सी गिजा खाते हो भाई? Because seriously, it's unbelievable. असल में 18 साल की एज में मेरी शादी हुई थी। हाँ। और तकरीबन 17 साल की ये थी मेरी। माशाल्लाह जी, आप दोनों के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। माइक दे दीजिएगा पीछे जी। सर भाई, एक रिक्वेस्ट है आर यंगस्टर्स के लिए, अगर मैं मजीद एक गजल और सुनाना चाहूँ छोटी सी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ जी, प्लीज सुनाओ सुनाओ सुनाओ, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। दे दो बेटा इनको माइक, दो बेटा माइक दो। हाँ जी प्लीज, पहले एक मिनट होल्ड ऑन जैसी, पहले इनसे। हाँ, की मोहम्मद से वफा हमने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोग कलम तेरे। हाँ भाई जैसी सुनाओ, इनको दे दे एक मिनट, जरा बच्चों के लिए सुनाना चाहते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल है। हाँ खड़े होकर सुना दे बेटा। दिस गजल इज फॉर ऑल यंगस्टर्स, अल्लामा इकबाल की बड़ी प्यारी गजल है। तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो। पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सुरही ना मिले जिनसे वो साज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जेर अगर करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। ए दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, चाहते हो अगर मंजिल तो आज से अपनी परवाज बदल डालो। एक बात बताओ, ये अल्लामा इकबाल की तो नहीं हो सकती? इस अल्लामा इकबाल की नहीं है ये, आपने इकबाल बोला था ना? मेरी नॉलेज के मुताबिक अल्लामा इकबाल की। रिसर्च कर ले बेटा, मुझे लगता नहीं है, मेरी अपनी मुझे भी नहीं लग रही है इकबाल की, क्योंकि वो आखिरी जो शेर था उसमें वजन में भी फर्क। अच्छा, सिर्फ वजन की बात नहीं है, अल्लामा इकबाल ने ऐसे लफ्ज मुस्कान वगैरह इस्तेमाल कभी किए नहीं है। अच्छा, मैंने जितनी भी उनकी किताबें पढ़ी हैं, बांग इधर अजर पे कलीम, जो मुझे लगा नहीं हो, अरमगान एजाज हो सकता है आपने कहीं पढ़ी हो, मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, मेरी नज़र, मैं सिर्फ जी पीछे 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 साहब को तो जी आप और उसके बाद आप जी। ए कातिब तकदीर मेरे दिन नहीं फिरते, क्या मशगलाए लोह कलम छोड़ दिया है। क्या बात है, कहने नहीं चाहिए ऐसे अशआर सर, वो कहने नहीं चाहिए, कहने नहीं चाहिए। एक बात आपकी ताईद में सर, के अल्लामा इकबाल का वो डिक्शन नहीं है। हाँ मुझे लगता है कि जी सर। सर एक तो रिसालत मआब की नज़र एक शेर है कि रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बज़्म ख़याल में, ना दुकान आईना साज में। और एक शेर अपनी कौम की नज़र है अहमद फराज का, कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की एक शमा जलाते जाते। ये सब पूरी कौम की नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आज खवातीन जी। जी बेटा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिब भाई आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और आप बहुत पसंद हैं, हमारी पूरी फैमिली आपको बहुत शौक से देखती है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलो आज अर्श पर सजेगा समा, आका को सुनाऊंगा कवाली, बाबा और चचा भी होंगे साथ, जन्नत में होगी अवतारी। अमजद साबी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जी जी बोलिए। हेलो। वालेकुम सलाम। आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के पत्थर तलाश कर, जर्रे से पूछ ले कायनात की तफसीर, कतरे की वसअतों में समंदर तलाश कर। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, वसअतों में, वसअतों नहीं है, वसअतों में जी। मैम, हालात के खूनी मंजर से जो डर गया मोमिन ही नहीं, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। हाँ जी दीजिए दीजिए। मिट्टी की बात करता है किस एहतमाम से, सोने की सिल पे बैठ कर मरमर का आदमी। क्या बात है। एक नज़्म भी है जी। जी। एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हुमकता हुआ,
जेब खाली थी कुछ मोल ले ना सका, लौट आया लिए हसरतें सैकड़ों, एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, आज मेला लगा है उसी शान से, जो चाहूँ तो एक एक दुकान मोल लूँ, जो चाहूँ तो सारा जहाँ मोल लूँ, ना रसाई का जी में धड़का कहाँ, पर वो छोटा सा अल्हड़ सा लड़का कहाँ। वजूद जंग से है कायनात में रंग, ताकतें दो हैं दुनिया में जिससे सारा निज़ाम जारी है, एक खुदा के वजूद पे है कि औरत की ज़ात बारी है। और कोई भाई? अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। अरे कहाँ हैं? इधर साहिब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैं, एक मिनट ठहर जाओ। हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका शो बहुत अच्छा है, नंबर वन है, बेस्ट है, बहुत बहुत। और मेरे घर वाले आपको बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत। वो पत्थरों से मांगते हैं अपने मुकद्दर की मंजिल साहिर, हम तो उनके उम्मत ही हैं जिनको देखकर पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। वाह जी वाह, वाह वाह, बहुत खूबसूरत। हाँ जी। सलाम साहिर। वालेकुम। मुझे तो अपनों ने मारा गैरों में क्या दम था, मुझे तो अपनों ने मारा गैरों में क्या दम था, मेरी तो कश्ती ही वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। साहिर भाई एक और, एक और। अबे हाँ बोलो। न जाने कौन मुझे यूँ दुआएं देता है, न जाने कौन मुझे यूँ दुआएं देता है, मैं समंदर में डूबता हूँ वो उछाल देता है। कोई होगा किसी को पता करो कौन दुआएं दे रहा है। एक और, एक और, एक और। बताइए। आज फिर मारेगी मेरी माँ यूं रोने पर, आज फिर मारेगी मेरी माँ यूं रोने पर, के गांव में एक बार फिर खिलौने वाला आया है। शेर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह, थैंक यू। वाह वाह। और कोई आते हैं दो चार शेर तुम्हें? तुम्हारे पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है। वो कौन सा शेर तुमने सुनाया था, कौन सा वाला था वो, जो पहले पहला शेर कौन सा सुनाया था? कश्ती वाला। हाँ कैसे? मुझे तो अपनों ने मारा गैरों में क्या दम था, मुझे तो अपनों ने मारा गैरों में क्या दम था, मेरी तो कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। अच्छा मैं आपको सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगा इन्होंने पहले कहा मेरी तो मछली वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। इधर आइए। हाँ जी कौन? हेलो। खुदा भी बच ना पाया मोहब्बत के तकाजों से, एक महबूब की खातिर सारी दुनिया बना डाली। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं नॉर्मली ऐसे अशार पे कमेंट करता नहीं बिकॉज अल्लाह ताला जी। चाहत फिकर एहतराम और वफा, चाहत फिकर एहतराम और वफा, मेरी आदतों ने मेरा तमाशा बना दिया। मेरी आदतों ने मेरा, मेरी इन्हीं आदतों ने मेरा तमाशा बना दिया। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई? हाँ जी। हेलो। है सलाम वालेकुम सर। कहाँ? यहाँ देखें। हेलो। हाँ हेलो हेलो सर, आपके लिए शेर है। हाँ जी। फूल को खुशबू पसंद, खुशबू को फूल पसंद, फूल को खुशबू पसंद, खुशबू को फूल पसंद, आपकी पसंद खुदा जाने मेरे, मुझे मेरे साहिल दोस्त पसंद। क्या बात है। सलाम वालेकुम साहिल। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारे साहिल भाई लाखों में एक। अच्छा प्लीज आप बताइए। मैं अमजद साहब जी के लिए कुछ शेर कहना चाहूँगा जी। चला है पेन के कपड़े वो यूँ अपनी मंजिल की जानिब, बहाना मौत का है कि दीदार मुस्तफ़ा होगा, इसीलिए वो जाते जाते ये कह गया था कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊँगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना या रसूल अल्लाह। ए शहीद अमजद साबरी तेरी अजमत को सलाम। बहुत शुक्रिया जी। और कोई रह तो नहीं गया? यस मैम। अरे एक सेकंड, खातून पहले फिर आप बोल दीजिए। जी जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम के मुताबिक, आयत के मुताबिक एक पुरअज़्म लोगों के लिए एक शेर अज़्म करती हूँ। मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो रहा है राही, इतना अजीम हो जा के मंजिल तुझे पुकारे। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हस्ती मिटा दे अगर तुझे कुछ चाहिए, के दाना खाक में मिलता है गुले गुलजार होता है।
क्या करें? अपनी हस्ती मिटा दे अगर तुझे कुछ चाहिए. अपनी हस्ती नहीं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे. अरे खुदा का वास्ता हुजूर, सुन तो लीजिए. आप ही पढ़ेंगे ये शेर, लेकिन सही करके पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको. मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे. कुछ मर्तबा चाहे, अगर कुछ मर्तबा चाहे. अगर कुछ मर्तबा चाहे के दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है. और सुना दूं एक दो? हाँ हाँ जरूर. रोजे मैशर के जाने गुजार बूत, अव्वलीन परतिश के नमाज बूत. और जागना है जागले फलक के साए तले, हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले. और बर मजारे माँ गरीबा, ने चिरागे ने गुले, पर परवाने सूद ने सदाए बुलबुले. और सुना दे. अच्छा, सब मिलके ब्रेक लेते हैं, सारे मिलके. लेकिन इनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत अच्छा अशआर सुना इन्होंने. अच्छा, अगर तुम लोग और तालियां बजाओगे तो फिर और आगे करेंगे इसको, वरना इसको यहीं छोड़ देंगे. ओके जी, इनकी तरफ कैमरा कीजिए, कैमरा इनकी तरफ कीजिए. हाथ उठाइए सारे लोग अपने ऊपर, हाथ उठा लीजिए और मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, आपसे मिलते हैं. अरे यार जोर से बोलना है, 1 2 3, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद.